प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ दूसरे राजनीतिक गठजोड़ को बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जी यूपी यूके की टीम से खास बातचीत की। क्या कहा मंत्री जी ने, जरा खुद सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। मंत्री जी, चुनाव की घोषणा हो गई है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने 7.5 साल के भारत सरकार का काम और 4.5 साल का उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भाजपा के कई मंत्री और विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कहना है इस पर आपका? आप देखें, जो लोग भी गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जुटे हुए नहीं थे। जहाँ तक उनका सवाल है कि पिछड़ों को, दलितों की पूछ नहीं हो रही है, 8 मरतबे भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाई है और भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े मंत्री बनाए गए, 12 दलित मंत्री बनाए गए। जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा था, वो केवल कार्यों के आधार पर नहीं बल्कि हमने मंत्रिमंडल में विस्तार करके भी प्रदर्शित करके दिखाया है। तो ये कहना उनका गलत है, क्योंकि उनका कोई विचारधारा नहीं है। वो स्वार्थ के प्रति कभी भी यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और निश्चित तौर से इस चुनाव में बहुत से लोगों का टिकट भी कटने वाला था। उस डर से भी बहुत से विधायक इधर उधर भाग रहे हैं।